रात का समय था। एक अंदर रात के अंधेरे में एक दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़े विद्वान आलिम बाहर आते हैं और पूछते हैं, इतनी रात तुम भीख मांगने के लिए आए हो? वो अंधा कहता है, नहीं, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि एक सवाल लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपको हर सवाल का जवाब मालूम है, मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो विद्वान बोलते, पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? वो अंधा कहता है, मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, मैं जन्म से अंधा हूँ, क्या मुझसे भी बड़ा कोई बदनसीब और अंधा इस दुनिया में है? वो विद्वान कहते हैं, हाँ। जिस इंसान की दोनों आंखें तो हो लेकिन वो अपने आप को जानता ना हो, क्या कर सकता है पहचानता ना हो, वो जिंदगी का एक मकसद ना रखता हो, वो इंसान तुमसे भी बड़ा बदनसीब और अंधा है। प्यारे दोस्तों, बात समझने की है, आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, आप अशरफुल मखलूकात हो। अल्लाह ने जितनी भी मखलूक इस दुनिया में बनाई है, जितनी भी चीजें बनाई है, सब में अच्छी सबसे बेहतर आप, सबसे कीमती आप। आपको जानना होगा कि आप बगैर मायने के, बगैर मकसद के इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि बहुत बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हो। और आपके अंदर बहुत सी खासियत, बहुत सी खूबियां, बहुत सी क्वालिटीज भी मौजूद हैं। वो क्वालिटीज को भी आपको जानना होगा कि आप कौन सी ऐसी खासियत है जो दूसरों से आपको बेहतर करती है, दूसरों से आपको अलग करती है। कोई बच्चा ड्राइंग अच्छी बनाता है, कोई बच्चा की याद शक्ति अच्छी है, किसी बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई बच्चा स्टेज पे अच्छा बोल पाता है, कोई बच्चा एक्टिंग अच्छी कर पा रहा है, कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी कर पा रहा है, कोई डांसिंग अच्छी करता है, तो कोई अच्छा खेलता है। इसी तरह से हर एक इंसान की अपनी एक अलग खूबी, अपनी एक अलग खासियत होती है। आपको भी अपनी खासियत और खूबी को जानना होगा और उस खूबी को लेकर अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाना होगा कि मैं इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। एक बच्चा जो बचपन से लोगों को इंसाफ दिलाने में, लोगों को सच्चाई का साथ देने में हमेशा आगे रहता था, उस बच्चे ने मकसद बना लिया कि मैं लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, वो बच्चा बड़ा होता है महात्मा गांधी कहलाता है। एक बच्चा जो बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था, अकलमंद था, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था, उस बच्चे ने हिंदुस्तान को ताकतवर देश बनाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वो बच्चा बड़ा होकर एटम बम बनाता है हिंदुस्तान के लिए और एपीजे अब्दुल कलाम कहलाता है। एक बच्चा जो 6-7 साल की उम्र में लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ देता था, उस बच्चे ने मकसद बनाया कि वो बड़ा होकर देश के लिए बहुत बड़ा नाम करेगा, बड़े बड़े क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ेगा, बड़ा होकर वो सचिन तेंदुलकर कहलाता है। एक बच्चा जो बचपन से घर वालों की, टीचर्स की, दोस्तों की एक्टिंग किया करता था, उस बच्चे ने ये बचपन में ही मकसद बना लिया कि वो बड़ा होकर बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, वो बच्चा बड़ा होकर शाहरुख खान बनता है। कोई भी इंसान एकदम से बड़ा नहीं बनता, बल्कि बचपन से बड़ा बनता है। आज जो आप सोचोगे कल वो बनोगे, अगर आज कुछ नहीं सोचोगे तो कल भी कुछ नहीं बनोगे। आपकी जिंदगी आज से शुरू होती है, कल से नहीं। जो बच्चे बचपन को बर्बाद कर देते हैं, खेल कूद में पूरा बचपन खत्म कर देते हैं, वो बच्चे कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी को खुशगवार, सक्सेसफुल नहीं बना पाते। लेकिन जो बच्चे बचपन में ही फैसला कर लेते हैं कि बड़ा बनकर उन्हें कुछ अच्छा काम करना है, वो बच्चे कामयाब होते हैं। यहाँ तक कि आपके टीचर्स ने भी बचपन में ही फैसला कर लिया होगा कि उन्हें बड़ा होकर टीचर बनना है, तभी वो आपको सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में बड़ा वही बनता है जो बड़े सपने देखता है। जो आज आप देखोगे कल वो चीज पूरी होगी, अगर आज सपने नहीं देखोगे तो कल भी वो पूरे नहीं होंगे। आप अपने टीचर्स की, आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं अपने आप को जानने के लिए, अपनी खासियत को पहचानने के लिए और अपनी जिंदगी के एक मकसद को हासिल करने के लिए। जो वक्त को यूं ही गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, कुछ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।